एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित कुतुबपुर सक्ता गांव पहुंचा। लगभग 3800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान रविंद्र सिंह के द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 1500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 450 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 500 बच्चे अध्ययनरत हैं। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में हैंडपंप लगवाए गए हैं। साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 220 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व 40 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्कूल में मरम्मत कार्य, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का भी निर्माण कराया गया है। इसी के साथ एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, खडंजा, पंचायत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के भी निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। बोलो। मैं ग्राम प्रधान रविंद्र सिंह, ग्राम पंचायत कुतुबपुर सक्ता, और मैंने जो है जो मतलब हमारी धनराशि आई है मैंने काफी काम करा है मैंने, और सीसी टाइल्स कराई है मैंने, और हमारे गांव में मैंने सौर ऊर्जा भी लगवाई हैं और एलईडी वाली और लाइटें भी लगवाई हैं, और काफ़ी विकास करा है मैंने। और दूसरे गांव पड़ता हमारा फतेहपुर सक्ता, उसमें जो है पानी का निकास नहीं है, उसमें नाले की जो है मांग है साहब, मांग हो जावे तो बड़ी खुशी की बात है। और जो मेरे गांव में शौचालय बनने हैं, मैंने काफ़ी शौचालय भी बनवाए हैं, और कम से कम 350 के आसपास शौचालय भी बन गए हैं हमारे हैं, और काफ़ी साहब जो मतलब पैसा आया है पूरी तरह से मैंने सारा पैसा लगाया है। और साहब मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देवें और साहब हम अपने काम को बढ़िया से बढ़िया ठीक तरह से चलाऊँ। बोलो। मैं राजीव कुमार, कुतुबपुर सक्ता, जिला पंचायत। हम आपसे अनुरोध यह है कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से अस्पताल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर पशु भी बनते हैं और ऐसी अनुदूत ईंटें बीटा इधर उधर पड़ी रहती हैं, तमाम बच्चे बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं, इसमें कोई भी यहाँ पर प्रबंध नहीं है इसका, और ना ही कोई डॉक्टर आया आज तक। 4-5 साल हो चुके हैं यहाँ आए हुए बने हुए से, यहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं है। दूर दूर तक यहाँ पर इलाज के लिए जाना पड़ता है, 15-20 किलोमीटर तक हॉस्पिटल नहीं है कोई भी। आपसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि आप यहाँ पर कोई प्रबंध कराएं डॉक्टर का, जिससे हम दूर दूर ना जाएं।